बट मेरी और स्टैन की कलेब्रेशन भी होनी थी और मुझे यह था कि मैं एल्बम पे आज आऊँ, और तो मैंने तो उसने मुझे बीच बीच भेजी, हमारा चल रहा था एक्सचेंज। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। तो इस वीडियो में बात करने वाले बादशाह भाई के बारे में। तो बादशाह भाई का राज जोन्स के साथ एक नया इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें कि उन्होंने कृष्णा एमसी स्टैन के बारे में बात करी है, और बादशाह भाई ने यह भी बताया कि उनका इंसान एल्बम के अंदर एक सॉन्ग होने वाला था एमसी स्टैन के साथ, बट वो क्यों नहीं हो पाया वो आप देख लेना। तो मैंने जब उसकी एल्बम शेयर करी तो फिर मैंने उसको बोला था कि करते हैं तो आई वॉन्टेड कि हम कोलैबोरेट करें, और मैंने उसको बोला यार एल्बम पे ही कर लेते। कहता भाई मेरे को आइडिया ही नहीं था आप मेरी एल्बम पे आना चाहते हो। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मतलब ये मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो गया, बट मुझे वो आर्टिस्ट अच्छा इसलिए लगता है वो सबसे अलग है, राइट। और इस टाइम इतने शोर में वैसा सा रहना मुश्किल है। बहुत बैक एंड फोर्थ हो रही है मेरे और स्टैन के बीच में, और फॉर श्योर जल्दी आएगा कुछ ग्रेट, मतलब ये सरप्राइज था, कुछ फाड़ आएगा क्योंकि वो बहुत सही स्टाइल लगता है। कृष्णा हैज बीन, भाई सीखो उस बंदे से यार, सिर्फ उसकी राइटिंग नहीं, उसकी पेशेंस, उसकी मेहनत, परसिवरेंस, उसका मेहनत कितना स्टडी, सीखो। अगर वो प्रोस्पेक्ट पे ही छोड़ देते तो आज कृष्णा। बाकी आपको पूरा इंटरव्यू देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, वो आ रही कृष्णा भाई की तरफ से। तो कृष्णा भाई का जो लेल बंटी सॉन्ग है वो दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है पूरे इंडिया में, और साथ में इसी गाने पर एक रिएक्शन वीडियो है तो वो भी ट्रेंड कर रही है। तो भाई को बहुत सारी बधाई हो हमारी तरफ से। बाकी इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो भाई प्लीज सपोर्ट कर दो। तो बस इस वीडियो में तो बस इतना ही था, बाकी आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता देना। तो फिर मिलते किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।